नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। जब से नोटबंदी हुई तभी से कालेधन को सफेद करने वाले जुगाड़ मैकेनिक भी एक्टिव हो गए हैं और आज तक कालेधन के जुगाड़ मैकेनिक को बेनकाब करने की ये मुहिम चला रहा है। कुछ दिन पहले हमने आपको ट्रस्ट और मंदिरों में बैठे बाबाओं का पर्दाफाश दिखाया था। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह मथुरा वृंदावन से लेकर दिल्ली NCR में मंदिरों को आड़ बनाकर खुद को साधु कहने वाले लोग ब्लैक मनी को वाइट करने का ऑफर दे रहे हैं। अपनी इसी मुहिम को जारी रखते हुए आज हम आपको देवनगरी, हरिद्वार और ऋषिकेश में ट्रस्ट और मंदिरों में बैठे उन मैनेजर बाबाओं से मिलवाएंगे जो कमीशन बेस पर काले धन को सफेद करने का दावा कर रहे हैं। ये आज तक की मुहिम बाबा ब्लैक मनी का पार्ट टू है। मोक्ष का द्वार देवनगरी हरिद्वार। मान्यता है कि हरिद्वार में हर की पौड़ी में एक डुबकी जन्म जन्मांतर के पाप धो देती है, लेकिन नोटबंदी के बाद देवनगरी हरिद्वार और ऋषिकेश में बने आश्रम और मंदिर ब्लैक मनी के जुगाड़ मैकेनिक बने बाबाओं के अड्डे बन गए हैं। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के पास ही है सच्चा धाम आश्रम। आज तक की अंडरकवर टीम बिजनेसमैन बनकर सच्चा धाम आश्रम पहुंची। यहां सबसे पहले हमारी मुलाकात आश्रम के सेवादार भूप सिंह से हुई। ये अब अपने हिसाब से बात कर लेना, तो बात हो लीजिए साहब। मैं लल्ला लेने वाला काम आप मुझे जानते हैं। काम की बात करने के लिए हमें आश्रम के कमरा नंबर 11 में ले जाया गया। हम कमरे में घुसे और बाहर से भूप सिंह ने दरवाजे की कुंडी लगा दी और फिर मैनेजर रमेश सीधे मुद्दे की बात पर आ गया। रमेश का दावा था कि उसके पास ऐसा बैंक अकाउंट है जिसके बारे में रिजर्व बैंक को भी नहीं पता। RTGS हो जाएगा, RTGS कर देंगे क्योंकि अकाउंट में पैसे को लेकर RTGS करने तो पूरा 1 करोड़ हो जाएगा। हां तो हो जाएगा, अगर एक आप देंगे तो उसमें तो लेंगे कमीशन। हाँ, लेंगे कितना कमीशन लेंगे? कमीशन अभी यहाँ का रेट 30 और 5 का है। 30 और 5 मतलब 30 तो रखेंगे, 5 बीच वालों के लिए रखेंगे। अच्छा। सच्चा धाम आश्रम का मैनेजर ब्लैक मनी को मैनेज करने में मंझे हुए जुगाड़ मैकेनिक के तरह दावे कर रहा था। रमेश ने हमें दिल्ली में डीलिंग का ऑफर भी दिया, लेकिन बड़े वाले 40-45 जो नए नोट चाहिए आपको, वो चाहिए तो 1 करोड़ तो के तो 55 आपको वापस आएगा। 1 करोड़ का 55 लाख खरीद मिलेगा। अच्छा, जो हरिद्वार में दूसरे लोग कर रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं, 25-30 कर रहे हैं और वो 25-5 में। 25-5 मतलब सो टोटल 30 आपका रखेंगे, 17 लोग। तो ये कौन कर रहे हैं? ये है तो यही तो आश्रम वाले लोग कर रहे हैं, तो आश्रम से ही करवा दीजिए। लाना ले जाना आपको काम, ठीक है, जगह बता देंगे। ठीक है। आश्रम के मैनेजर रमेश से हमारी डीलिंग चल ही रही थी कि तभी रमेश को एक फोन आया। सुनिए क्या बात हुई। कितना है वहाँ? अच्छा अच्छा, वहाँ का तो मेरे आनी, वहाँ का तो मेरा कोई है नहीं जाने वाला। अगर इधर का दिल्ली उल्ली का हो तो बता, और अगर यहाँ कोई है तो वो तुम्हारे पास तो दिल्ली और आगरा में है। अपने पास हरिद्वार में है, हरिद्वार वाला RTGS कर देगा, नगर लाने की जरूरत नहीं, उसको दे आओ बस किसी तरह से, वो RTGS कर देगा और वो परसेंट भी नहीं लेगा, अपना अपना पैसा वो बना लेगा। जो पैसा उसके एक अलग अकाउंट में है उसमें 10-20% भी दे देगा। आश्रम के मैनेजर को जब पक्का यकीन हो गया तो उसने हमारी मुलाकात करवाई आर त्यागी से।
आर त्यागी ने बताया कि उसने 2005 में पुलिस की नौकरी से वीआरएस ले लिया था और आजकल वो आश्रम में ब्लैक मनी को व्हाइट करने वाले बाबाओं का दलाल बना हुआ है। एक तो हम हरिद्वार ले हमारे रिलेटिव हैं। अच्छा, हरिद्वार में सवेरे करवा दे रहा हूँ। अच्छा, कैसे करवाएंगे आप बताओ? आरटीजीएस लेना चाहते हैं, कैश लेना चाहते हैं? कैश करवा दीजिए। कैश ले दो। आपने बात की थी, आपको 2000 रुपये मिल जाएंगे और 500 की कोशिश करेंगे। नया जो है नई करेंसी बुलवाऊंगा। अच्छा, नई करेंसी? मैंने नंबर दिया था आपको। अच्छा, तो क्योंकि कारण ये हो रहा था, अभी कुछ ही भी हो रहा है, हो सकता है 150 को वही हरिद्वार वाले ने कहा था कोई इसका पहचान नहीं। क्या क्या गूगल पे ले लेगी? अब अगर हमने सोल्व करा लिया होगा कैसे करवाता हूँ, फिर आपके लिए समस्या खड़ी होगी। आर त्यागी ने हमें बताया कि बैंक में उसकी सेटिंग है, वो बैठे बैठे बैंक से ब्लैक मनी व्हाइट करवा देगा। तो बैंक से इतना पैसा मिल जाएगा? एक और अब जो कर रहे हैं वो तो लिए बैठे हैं। ये बैंक में पैसा कहाँ आ रहा है? अरे हमें उधर आया, वो पब्लिक के लिए भी आ रहा है। तो यहाँ समझो कि बैंक में जाकर फंस जाए। आपको कहीं नहीं जाना, आपको तो जहाँ बैठा लेकिन वहीं पर बैठा। सच्चा धाम आश्रम ऋषिकेश का इकलौता आश्रम नहीं है जहां ब्लैक मनी को व्हाइट करने वाले बाबा एक्टिव हैं। सच्चा धाम आश्रम के सेवादार भूप सिंह ने एक ऐसे ही ट्रस्ट के मैनेजर से हमारी मुलाकात करवाई। जय प्रकाश से हमारी मुलाकात सच्चा धाम आश्रम में ही हुई। भूप सिंह ने उसे फोन करके हमसे मिलने के लिए बुलाया। कुछ सेकंड बाद जयप्रकाश कमरे में वापस लौटा। वो चाहता था कि हम अपने काले धन को ट्रस्ट के बजाय बाहर से व्हाइट करवा लें। हमने इनकार किया तो वो खुद ही काली कमाई वाले ट्रस्ट की पोल खोलने लगा। ट्रस्ट वाले जितने बदमाश होते हैं ना, इतना कोई नहीं होता। ये इसको भी बता रहा हूँ मैं, जो रंजीत को भी बता रहा हूँ कि आपको खाके ढका नहीं लेगा, लेकिन कोई प्राइवेट वाले से संपर्क करोगे ना तो आपको मैं करूँगा, मेरी जिम्मेवारी में है, वो आपको मिलेगा। पैट वाले बहुत बदमाश हो गए, आपको पता 8 तारीख के बाद से हमारी काली कमी में रसीद नहीं कट रही है। क्यों? सब बैक ब्लैक मनी वाले 8 तारीख की रसीद कटवा रहे, 10 तारीख को वो हुआ ना, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज। देवनगरी हरिद्वार और ऋषिकेश में ब्लैक मनी के जुगाड़ मैकेनिक बने मैनेजर बाबाओं के पाप की पोल खोलने वाला ये खुलासा अभी जारी रहेगा। अमित कुमार चौधरी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। अब हम आपको ऋषिकेश के एक बड़े आश्रम हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मशहूर गंगा आरती आयोजित करने वाली धार्मिक संस्थाओं के उन मैनेजर बाबाओं से मिलवाते हैं जो ब्लैक मनी को व्हाइट करने का दावा करते हैं। यह है ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पर बना ओंकारेश्वर मंदिर। ये मंदिर कैलाशानंद मिशन ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है और इस ट्रस्ट के प्रशासनिक अधिकारी हैं कमलदीप जोशी। कमलदीप जोशी ट्रस्ट में बैठकर काले धन को व्हाइट करने की दलाली करते हैं। तो कुछ कर सकते हैं आपके लिए? मतलब हम आपका एक काम कर सकते हैं, आपका भार कम कर लेंगे, इतना 20% ज्यादा हो पाएगा। तो कैसे होगा? कैसे भी होगा, मजबूरी है, आपको पता कैसे होता है? जी। कमलदीप जोशी ने ये नहीं बताया कि ब्लैक को व्हाइट कैसे करेंगे, लेकिन जब हम उनसे दोबारा मिले तो वो अपनी पूरी टीम के साथ काले धन को सफेद करने के लिए तैयार बैठे थे। क्या कैसे करेंगे फिर? यार देखो, हम लोग ने तय किया है, क्योंकि हमारी टीम है। टीम इन द सेंस के सारे ट्रस्ट के आदमी हैं, ये हैं भाई साहब, मैं और ट्रस्टी लोग हैं, दो तीन ट्रस्टी लोग। तो हमने ये तय किया तकरीबन कितना तक पा देंगे आप? अरविंद,
कितना कमा सकते हैं भाई साहब? एक तो जब परसों बात हुई थी, एक तो लेट कर रहे हैं, आपको मालूम है रोज के रोज नए नियम बदल रहे हैं। तो एक ही बार डिपॉजिट नए नियम बदल रहे हैं, लेट कर रहे हैं तो अपना ज्यादा लेट, क्योंकि आप समझ रहे हो हम कोई भगवान तो नहीं, गुंजाइश भी छोड़ो ना कहीं ना कहीं। बार बार हमें डराया गया कि समय कम है, इसलिए हम तुरंत इनके ऑफर को मान लें। अब सुनिए काले धन का कारोबार करने वाले इन मैनेजर बाबा की कीमत क्या है। जो बंदा सबसे ज्यादा लेगा ना, वो उसका कहना है कि 50% लेना। देखो ऐसा है, आप मिस्टेक करो, जो आपके हाथ आ गया ना वो आपका है। बाकी ये है कि ये ट्रस्ट है भैया, हम हमारे हिस्से आपस में कितना बांट पाएंगे, सुनो बांट कितना पाएंगे, हम 4-5 लाख बांट पाएंगे आपस में, 10-12-15 आदमी जो कुछ बटे, तो 5 लाख के चक्कर में मतलब ये मान लो कि आप कम 50 खपा देंगे, 50-60 तक हम खपा देंगे। फिलहाल बात 60 लाख की हुई। इन्होंने हमें चेताया कि ये मंदिर या ट्रस्ट में नहीं मिलेंगे। इन्होंने डील की जगह तक तुरंत फिक्स कर दी। लेकिन हम फोन पे आपको कभी नहीं बताएंगे ना, हम आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है? हम मिलेंगे आउट एरिया, आउटर मिलेंगे, मतलब श्यामपुर साइड में या कहीं पे कहीं मिल जाएंगे, लेकिन हम यहाँ नहीं मिलेंगे। क्योंकि देखो ऐसा ना, आजकल लोगों को कहीं भी हमारे को भी जितना डर आपको उतना डर हमारे, ठीक है? तो ये वाली बात है। अमित कुमार चौधरी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। फिलहाल वक्त हमारे लिए ब्रेक का है, लेकिन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।